उम्र के साथ साथ वैसे तो हमारी सारी ही स्किन लटकना शुरू हो जाती है, कोलेजन वगैरह कम होना शुरू हो जाता है, इलास्टिन कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे नीचे की जो मसल्स होती हैं वो भी काफ़ी लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को काफ़ी परेशानी आती है उनकी मैरिड लाइफ में। तो आज की ये एक्सरसाइज आपके नीचे की मसल्स को स्ट्रेंथ देंगी और पहले वाली शेप देने में आपकी काफ़ी मदद करेंगी। पहली एक्सरसाइज ये है कि आपको इस तरीके से लेट जाना है, अपने दोनों टांगों के बीच में पिल्लो रखना है। पिल्लो रखना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे बिना पिल्लो के। तो जैसे ही आप अपना ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर उठा रहे हैं ना, तो आपको सांस रोक के रखना है और आपके नीचे वाली जो मसल्स हैं उनको अंदर की तरफ खींच के रखना है। जितनी देर तक होल्ड करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा है। नीचे जाएंगे तो सांस छोड़ देंगे और मसल्स को भी आप प्रेशर उनका कम कर देंगे। ऊपर आएंगे, सांस रोकेंगे, आपकी जो मसल्स हैं उनको अंदर की तरफ खींच लेंगे। ओके, तो इस एक्सरसाइज को करने से आपको इमिडिएटली फर्क नहीं दिखेगा, आपको 15 से 20 दिन में इसका फर्क दिखेगा। अगर आप इस एक्सरसाइज को या दोनों एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस में आप दिन में सुबह 10 मिनट देंगे और रात को सोने से पहले आप बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। तो एक 10 मिनट सुबह करनी है और रात को सोने से पहले 10 मिनट करेंगे ना, तो आपको काफ़ी जल्दी आराम महसूस होगा। तो इस तरीके से ऊपर जाएंगे तो सांस होल्ड करनी है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपको उसकी जो मसल्स हैं, जो स्किन है, अंदर की तरफ खींच लेनी है। इससे क्या है, जो ब्लड है वो सर्कुलेट होगा। आपने देखा होगा कि हम फेस पे मसाज करते हैं तो मसाज करने से एकदम से आपको टाइट स्किन फील होती है ना फेस की, सेम वैसे ही फेस की एक्सरसाइज है। हम अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं उसको सही शेप देने के लिए, तो डेफिनेटली आप अपने बॉडी के किसी भी हिस्से को परफेक्ट शेप दे सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं अच्छे तरीके से करते हैं, कंटिन्यूटी में करते हैं, तो ही हो पाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अब सेकंड एक्सरसाइज, आप जैसे आप सुसु करने जाते हैं तो आप कर सकते हैं, ये पोजीशन आपकी रहेगी और आपको आपका जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ ऐसे होल्ड करके रखना है, अंदर की तरफ सिकोड़ लेना है, उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए और फिर आप छोड़ दीजिए। आप यूरिन पास करने जाते हैं तो भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, यूरिन पास किया, रोक दिया थोड़ी देर के लिए, फिर पास किया, फिर रोक दिया। तो इस तरीके से आप ये दोनों एक्सरसाइज करके अपने हिस्से को मतलब कि पहले वाली शेप यानी 80-90% दे सकते हैं अगर आप इसको रेगुलर बेसिस में करेंगे। तो ये दो एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय सियाराम, बाय।